खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी 22 जुलाई 2022 इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आ रही है, जहां मेरठ में 53 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। होमगार्ड समेत कई आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें मेरठ के गंगानगर पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की है। 53 लाख के नकली नोट बरामद किए। 2 जुलाई को शास्त्री नगर से प्रशांत की धरपकड़ के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग 50 लाख की रकम अब तक बाजार में उतार चुका है। मेरठ के एसएचओ टीम लिसाड़ी गेट और गंगानगर पुलिस टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को 3 गुना कीमत पर नकली नोट देने का काम करने के लिए अपना शिकार बनाया करते थे। फर्जी नकली नोट के काले और गोरख धंधे में एक होमगार्ड सत्येंद्र शर्मा की अहम भूमिका होती थी, जिसे उसके भाई कृष्ण शर्मा सहित मोहसिन नाजिम मेहताब और अरशद गिरफ्तार कर लिए गए। इन आरोपियों को पुलिस ने 15,000 के असली नोट सहित करीब 53 लाख रुपए के फर्जी नकली नोट बरामद किए हैं। बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है मेरठ पुलिस की। मेरठ में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिपी क्राइम अनिल कुमार ने इस पूरी घटना पर क्या कहा, ये देखिए। और थाना गंगानगर पुलिस ने इन लोगों ने सीओ ट्रेनिंग के अंडर एक गैंग को बस्ट किया है। इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी ये है कि लोगों से डील करते हैं, इनिशियली बताते हैं कि हम नकली नोट देंगे, तो ये असली नोटों को नकली नोट बता कर देते हैं और पहले कहते हैं कि सैंपल के तौर पे इन्हें मार्केट में चला के देख लो। जब कोई इनको नोटों को चलाता मार्केट में तो चली जाने होते हैं क्योंकि असली नोट होते हैं। फिर ये डील करते हैं कि हम कम दामों में जैसे 35,000 या 30,000 में 50,000 नकली नोट देंगे। जब डील हो जाती है तो एक जगह चिन्हित करते हैं कि वहाँ पर हम ये सप्लाई देंगे। उसमें ये क्या करते हैं कि गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज़ के नोट की शेप में कटे हुए कागज़ होते हैं और पूरी गड्डियाँ तैयार कर देते हैं। जब डिलीवरी देते हैं तो इनका एक आदमी साथ में ये भेजते हैं कि ये जाके आपको पूरा जितना पैसा है वो गिनवा देगा। जैसे उन्होंने दिया है कि 50,000 की डील हुई है तो 50,000 गिनवा देगा या 1 लाख है तो 1 लाख गिनवा देगा। जब ये जाने लगते हैं तब पीछे से इन्हीं के साथ में मिले हुए एक होमगार्ड जो पकड़ा गया है मौके से, ये होमगार्ड और ये अपने साथ में बदल बदल के लोगों को लाता था। उनमें से एक आदमी पहले गिरफ्तार हो चुका है थाना मेडिकल में, एक कल ये इसका भाई इसके साथ आया था जो पुलिस की वर्दी में यानी होमगार्ड की वर्दी में आते हैं, रेड करते हैं, फिर इनको पकड़ लेते हैं। उसमें जो आदमी जो पार्टी पैसे लेने आया होता है वो घबरा के भाग जाता है मौके से और उसके पैसे ये लोग इस तरह से उसको ठगी कर लेते हैं। ये इनका मोटस ऑपरेंडी है। कल पुलिस ने जब बस्ट किया है इसको पूरे नेटवर्क को, उनमें 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 मास्टरमाइंड हैं, एक मोहसिन और एक मेहताब, ये दोनों लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। प्लस इसमें एक होमगार्ड गिरफ्तार हुआ है मौके से सत्येंद्र, जो लगभग 2006 से पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पे काम कर रहा था। इसका भाई मौके से गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 अन्य इनके साथ ही गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से जो बरामद हुआ है लगभग 53 लाख के करीब का जो इन्होंने तैयार किए हैं गड्डियाँ, यदि उनकी वैल्यू देखें तो जिस तरह से गड्डी तैयार की गई है 53 लाख है। हालांकि इसमें क्योंकि ऊपर और नीचे ही पैसा लगा हुआ है, असली नोट लगे हुए हैं, बाकी वो कागज़ के टुकड़े हैं, पर जो यदि उसको यदि हम इनकी वैल्यू उस तरह से देखें गड्डी के शेप में तो ये 53 लाख के करीब इन्होंने तैयार करके ये रख रखा था जिसको ये ठगी में इस्तेमाल करते थे। सर, किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे? इन लोगों ने जो पूछताछ में बताया अब तक प्रिलिमिनरी, वो लगभग 20 के करीब ये ठगी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ मुकदमे अभी हमारे संज्ञान में आए हैं और वो मुकदमे विभिन्न थानों पे लिखे हैं, जैसे मेडिकल में, भावनपुर में, गंगानगर में और कंकरखेड़ा का भी एक संज्ञान में आया है कि मामला हुआ है। तो इन सब में इनके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जा रही है।